नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। श्रीलंका का जिक्र हो और प्रभाकरण का नाम ना आए ऐसा नहीं हो सकता। 2.25 करोड़ की आबादी वाले द्वीप में तमिल और सिंघली समुदाय बहुसंख्यक हैं। 90 के दशक में श्रीलंका में भारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच प्रभाकरण तमिलों के बीच एक सशक्त नेता बनकर उभरा। उसने तमिलों के लिए एक अलग राज्य की मांग की, तमिलों के हक के लिए आवाज उठाई। यह आवाज जल्द ही सशक्त संघर्ष में बदल गई। फिर एक ऐसा दौर भी आया जब सरकार और प्रभाकरण के बीच जंग छिड़ गई। प्रभाकरण ने भी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम यानी लिट्टे का गठन किया। इसमें भर्ती होने वाले युवाओं को बतौर सैनिक ट्रेनिंग दी जाती थी, उनकी पोस्टिंग होती थी और प्रमोशन भी। करीब 2 दशक तक श्रीलंकाई सरकार और प्रभाकरण के बीच गोरिल्ला युद्ध चलता रहा। हजारों जाने गईं, सरकार में बैठे कई बड़े नेता मारे गए। प्रभाकरण को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा। भारत सरकार को भी श्रीलंका की मदद करनी पड़ी और जिसका खामियाजा राजीव गांधी की हत्या के रूप में भुगतना पड़ा। प्रभाकरण ने श्रीलंका छोड़ दिया, लेकिन श्रीलंका की सरकार और लिट्टे के बीच संघर्ष चलता रहा। हालांकि 18 मई 2009 में श्रीलंकाई सरकार ने दावा किया कि उसने प्रभाकरण को मार गिराया है, लेकिन अभी तक ये बात पुख्ता तौर पर नहीं कही जा सकती, क्योंकि प्रभाकरण एक ऐसा शख्स है जिसके कई हमशक्ल होने के दावे किए जाते रहे हैं। इसलिए प्रभाकरण की मौत अभी तक श्रीलंकाई लोगों के बीच एक पहेली बनी हुई है। हालांकि अभी हाल ही में तमिलनाडु के पूर्व कांग्रेसी नेता और विश्व तमिल महासंघ के अध्यक्ष पाझा नेदुमारन ने अपने एक बयान से सनसनी मचा दी है। उन्होंने दावा किया है कि प्रभाकरण जिंदा है। ये वही प्रभाकरण है जो लिट्टे चीफ के तौर पर कुख्यात रहा। उसने दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बनाया और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा। पूरा नाम है वेल्लू पिल्लई प्रभाकरण। प्रभाकरण का जन्म 26 नवंबर 1954 को श्रीलंका के जाफना जिले के वालवेटुथुरई में हुआ था। प्रभाकरण के पिता संपन्न परिवार से थे। किताबों में खोए रहने वाले प्रभाकरण को पढ़ना तो अच्छा लगता था, लेकिन स्कूल रास नहीं आता था। लिहाजा 15 बरस की उम्र में उसने स्कूल छोड़ दिया। जैसे जैसे प्रभाकरण बड़ा हो रहा था, उसे अपने तमिल भाइयों पर होने वाले श्रीलंकाई सरकार के अत्याचार और भेदभाव बुरी तरह कचोट रहे थे। किशोर अवस्था में प्रभाकरण ने TAF यानी तमिल यूथ फ्रंट नाम के स्टूडेंट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। कुछ वक्त तक इस ग्रुप का हिस्सा बने रहने के बाद प्रभाकरण ने 17 वर्ष की उम्र में TNT यानी तमिल यू टाइगर्स नाम से ग्रुप बनाया। धीरे धीरे प्रभाकरण तमिलों को इस ग्रुप में जोड़ता गया और इस ग्रुप को मजबूत बनाता रहा। संगठन की बढ़ती ताकत देखकर प्रभाकरण के मन में अपराध को लेकर जो भी भय था वो भी खत्म हो गया। 27 जुलाई 1973 को प्रभाकरण ने जाफना के मेयर की हत्या कर दी। इस वक्त उसकी उम्र महज 19 साल थी। अब बात लिट्टे के गठन की। 1976 तक TNT में इतने लोग शामिल हो चुके थे कि यह संगठन खुद एक प्राइवेट गवर्नमेंट की तरह काम करने लगा था। लिट्टे का एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी बन गया था जो स्कूल चला रहा था। इस स्तर का समर्थन पाकर प्रभाकरण ने सरकार के सामने तमिलों के लिए एक अलग राज्य या एक अलग देश की मांग उठा दी। इसके साथ ही TNT का नाम बदलकर लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी लिट्टे रख दिया गया। इसका मकसद किसी भी हालात में तमिलों के लिए एक अलग राज्य बनाना था। लिट्टे के सैनिकों को वहां के स्थानीय लोग टाइगर्स बुलाते थे। लिट्टे में ज्यादातर युवा अपनी मर्जी से आते थे, जबकि कई युवाओं को जबरदस्ती ग्रुप में शामिल कराया जाता था। कई लोग तो अपने बच्चों को बचाने के लिए लिट्टे को पैसा देते थे, जबकि कुछ लोग अपने बच्चों को बचाने के लिए विदेश भेज देते थे। लिट्टे में शराब, सिगरेट और महिलाओं से छेड़खानी करने या पैसों का गबन करने पर सख्त मनाही थी। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता था तो उसे फौरन मौत की सजा दी जाती थी। प्रभाकरण 12 से 13 साल के बच्चों को भी अपनी सेना में भर्ती करने में यकीन रखता था, खासकर उन बच्चों को जिन्होंने श्रीलंकाई सरकार का अत्याचार सहा हो। इन बच्चों को एकदम फौजियों की तरह ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग तभी पूरी मानी जाती थी जब वो प्रभाकरण के प्रति वफादार रहने की शपथ लेते थे, और इसके बाद प्रभाकरण उन्हें बतौर इनाम साइनाइड भरा कैप्सूल देता था। लिट्टे के हर सैनिक को यही सिखाया जाता था कि दुश्मन के हाथों मारे जाने से अच्छा है पहले खुद की जान ले लो। धुआं नहीं उठता अगर आग नहीं लगती।
एक साथ इतने तमिलों के एकजुट होने और मरने मारने पर उतारू होने और लिट्टे के अस्तित्व में आने के पीछे मुख्य वजह थी श्रीलंकाई सरकार और आर्मी की बर्बरता। कहा तो ये भी जाता है कि श्रीलंकाई आर्मी तमिलों के घर में घुसकर रेप करती थी, महिलाओं और बच्चों को बुरी तरह पीटती थी। वहीं सरकार ने तमिल इलाकों में उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए जरूरी चीजों की सप्लाई पर भी रोक लगा दी थी। यहां तक कि पेट्रोल, डीजल और दवाइयों जैसी जरूरी चीजें भी तमिल स्मगल करके लाते थे। इसीलिए उस वक्त जाफना में पेट्रोल 800 रुपए लीटर तक बिक रहा था। आंख के बदले आंख की ख्वाहिश पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। सरकार की क्रूरता और श्रीलंकन आर्मी की बर्बरता का जवाब लिट्टे ने उससे भी ज्यादा खौफनाक अंदाज में दिया। 1980 से 83 के बीच लिट्टे ने श्रीलंकन आर्मी पर कई तरह के हमले किए। 1983 में लिट्टे ने श्रीलंकन आर्मी के 13 सैनिकों को उनके काफिले पर हमला करके मार गिराया, जिसके बाद प्रभाकरण को मोस्ट वांटेड और लिट्टे को आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया। अपने 13 सैनिकों का बदला लेने के लिए श्रीलंकन सरकार ने जुलाई के महीने में हजारों तमिलों के घर मकान फूंक दिए। करीब 25 दिन तक चले इस खूनी संघर्ष को ब्लैक जुलाई का नाम दिया गया। आने वाले सालों में लिट्टे और सरकार के बीच खूनी जंग चलती रही और साल दर साल हजारों जाने जाती रहीं। श्रीलंका में तमिलों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के चलते हजारों की तादाद में तमिल भारत में आकर शरण लेने लगे। बढ़ते इमिग्रेशन को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय तमिल को विश्वास दिलाने के लिए सीधे तौर पर तो लिट्टे को समर्थन नहीं दिया, लेकिन लिट्टे पर नरमी जरूर बरती। जैसे कि जब लिट्टे के कुछ सैनिक भारत में पकड़े गए तो श्रीलंकाई सरकार ने उनकी कस्टडी मांगी, लेकिन भारत सरकार ने इससे साफ इनकार कर दिया। भारत का मकसद सिर्फ श्रीलंकाई सरकार पर तमिलों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए दबाव बनाना था। इसी बीच साल 1987 में श्रीलंकाई सरकार ने ऑपरेशन लिबरेशन लॉन्च किया, जिसका मकसद था लिट्टे के ठिकानों को कब्जे में लेना। एक बार फिर से तमिलों पर अत्याचार शुरू हो गया, सैकड़ों तमिल मारे गए। भारतीय तमिलों ने केंद्र सरकार पर श्रीलंकन तमिल्स की मदद करने का दबाव बनाया, जिसके बाद भारत लिट्टे के समर्थन में खुलकर सामने आ गया और ऑपरेशन गार्डलैंड लॉन्च किया गया। बोट्स के जरिए खाने और जरूरी सामान को श्रीलंकन तमिल्स के लिए रवाना किया गया, लेकिन इन बोट्स को श्रीलंकन नेवी ने रोक दिया और वापस भेज दिया। इसके बाद भारत ने कार्गो प्लेन और फाइटर जेट्स की मदद से ये सारा सामान श्रीलंकन सरकार की मर्जी के खिलाफ तमिल्स के लिए भेजा। तमिल्स की मदद के साथ साथ भारत का मकसद उस वक्त शक्ति प्रदर्शन का भी था। भारत ने उस वक्त श्रीलंका को ये संदेश दे दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो लिट्टे के साथ श्रीलंका के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। भारत का लिट्टे को बढ़ता समर्थन देखकर श्रीलंका ने पाकिस्तान, अमेरिका और चीन से मदद मांगी। श्रीलंका का इन देशों से मेलजोल भारत के लिए खतरा बन सकता था। सेफ साइड पर रहते हुए भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंकाई सरकार के बीच एक करार हुआ और भारत ने अपनी पीस फोर्स जाफना भेजी। इसका नतीजा ये निकला कि जो लड़ाई श्रीलंका वर्सेस लिट्टे थी, अब वो लिट्टे वर्सेस इंडिया हो गई। लगभग 3 साल तक भारतीय सैनिकों और लिट्टे के बीच युद्ध चलता रहा। हजारों सैनिक मारे गए, हजारों भारतीय सैनिक मारे गए। भारत सरकार के तकरीबन 1000 करोड़ रुपए इस ऑपरेशन में खर्च हुए। भारत सरकार ने इस बढ़ते हुए खर्च को देखते हुए अपनी फोर्सेज वहां से वापस बुला ली, लेकिन अब तक प्रभाकरण के मन में भारत के लिए नफरत बढ़ चुकी थी। बदला लेना तो प्रभाकरण की फितरत में था, बदला लिया भी। अपने सैनिकों की मौत का बदला प्रभाकरण ने भारत के सबसे शक्तिशाली शख्स को मार कर लिया। एक बार दिल्ली में राजीव गांधी और प्रभाकरण की बहुत ही सीक्रेट मीटिंग होनी थी। मीटिंग से पहले राजीव गांधी के कैबिनेट मंत्री ने उन्हें बुलाकर सलाह दी कि वेलुपुलई प्रभाकरण को मीटिंग पर बुलाएं और उसे बंदी बना लें, लेकिन राजीव गांधी ने सलाह को अनैतिक बताया और इसे मानने से इनकार कर दिया। मीटिंग खत्म होने तक राजीव गांधी ने प्रभाकरण को सरेंडर करने से मना किया। प्रभाकरण ने सरेंडर करने का वायदा किया था। मीटिंग खत्म होने के बाद राजीव गांधी ने प्रभाकरण को बुलेट प्रूफ जैकेट उपहार में दी और उसे जाने दिया। यही राजीव गांधी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 21 मई 1991 को राजीव गांधी चुनावी रैली के लिए तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में थे। रैली में भाषण देने के बाद राजीव गांधी लोगों के बीच गए, उनसे मिलने लगे। इन्हीं लोगों में नारंगी सलवार कमीज पहने एक लड़की थी, जो राजीव गांधी को फूलों की माला पहनाने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगी।
राजीव गांधी की सुरक्षा में जो लोग तैनात थे उन गार्ड्स ने उस लड़की को रोक दिया, लेकिन राजीव गांधी ने लड़की को आगे आने के लिए कहा। लड़की ने राजीव गांधी को फूलों की माला पहनाई और उनके पैर छूने के लिए झुकी। राजीव गांधी ने इस लड़की को अपने पैर छूने से मना करने के लिए रोका ही था कि लड़की ने अपने शरीर में लगा विस्फोटक जैकेट का बटन दबा दिया। एक तेज धमाका हुआ और इस धमाके में राजीव गांधी समेत कई लोगों के चीथड़े उड़ गए। लिट्टे की कोशिश थी कि इस हत्याकांड में उसका नाम कहीं से भी सामने ना आने पाए, लेकिन लिट्टे का रचाया प्लान तब फेल हो गया जब उनका फोटोग्राफर मौके से निकल ही नहीं पाया और इसी धमाके में मारा गया। बाद में उसके कैमरे की जांच हुई तो उसमें प्रभाकरण समेत कई लिट्टे कमांडर्स की फोटो बरामद हुई। राजीव गांधी की हत्या के बाद से ही भारत ने श्रीलंका के मामले में दखलंदाजी बंद कर दी थी, लेकिन श्रीलंका में LTTE का आतंक बदस्तूर जारी रहा। लिट्टे ने श्रीलंका के दो प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश की, जिसमें एक बार तो वो कामयाब भी हुए। आपसी फूट और बाकी वजहों से गुजरते सालों में LTTE यानी लिट्टे की ताकत कमजोर पड़ने लगी। अब श्रीलंकाई सरकार उन पर हावी होती जा रही थी। राजीव गांधी की हत्या का बदला लेने के लिए इस काम में भारत भी श्रीलंका सरकार की मदद कर रहा था। भारत ने श्रीलंका को आधुनिक हथियारों M17 हेलीकॉप्टर समेत कई अन्य मिलिट्री इक्विपमेंट भी मुहैया कराए, जिसकी बदौलत साल 2009 में श्रीलंका ने LTTE को हरा दिया और लिट्टे चीफ प्रभाकरण को गोली मारकर खत्म कर दिया। हालांकि इस सिविल वॉर को जीतने के लिए भी श्रीलंकाई सरकार ने अमानवीयता की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मानव अधिकारों को तार तार करते हुए सेना ने बच्चे, बूढ़ों और औरतों किसी को नहीं बख्शा। यहां तक कि प्रभाकरण के 12 साल के बच्चे को भी गोली से भून दिया गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स तो ये दावा करती हैं कि प्रभाकरण को जिंदा पकड़कर सेना उसे एक गुप्त ठिकाने पर ले गई थी, जहां 3rd degree टॉर्चर किया गया और बाद में गोली मारकर फेंक दिया गया। श्रीलंका सरकार ऐसे किसी भी दावे को सिरे से खारिज करती रही है, लेकिन कांग्रेस नेता के बयान ने एक बार फिर से श्रीलंका की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। धन्यवाद।